नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पात्रा चौल जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं मिली है। उन्हें 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में रहना होगा। तो खबर है कि 7 अगस्त तक शिंदे सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 15 से 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके होम ग्राउंड मुंबई में झटका दिया है। तो उधर विधायक रवि राणा के अच्छे दिन आने वाले हैं। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पात्रा चौल जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अभी राहत नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में रहना है। ईडी के अधिकारियों ने राउत को बीते रविवार को उनके घर से गिरफ्तार किया था। अरेस्टिंग से पहले राउत से करीब 6 घंटे की पूछताछ भी की गई थी। जमकर राजनीतिक रस्साकशी होती रही। उद्धव की शिवसेना ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था और सब दिन एक समान नहीं रहने की हिदायत भी दी थी। बहरहाल पात्रा चौल जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत बुरी तरह मुश्किलों में फंस गए हैं। बीते रविवार को ईडी के अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली और करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें पहले 4 अगस्त तक रिमांड में भेजा गया। आज गुरुवार को ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत को विशेष अदालत में पेश किया और फिर रिमांड की मांग की। कोर्ट के आदेश पर राउत को 8 अगस्त तक फिर ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला पात्रा चौल जमीन खरीद से जुड़ा है। ये 1,039 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। इस मामले में ईडी पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज कर चुकी है। इससे पहले अप्रैल माह में ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत की पत्नी और करीबियों के करीब 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका। कहा जा रहा था कि मंत्री पदों को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच खबर है कि 7 अगस्त तक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 15 से 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके बाद कुछ और मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर चौंकाया था, उसी तरह इस बार मंत्रियों के नाम पर भी चौंका सकती है। भाजपा कोटे से 8 से 9 मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। इनमें जो 2 नाम चौंकाने वाले हैं, वह है निर्दलीय विधायक रवि राणा और नारायण राणे के बेटे नितेश राणे। रवि राणा अमरावती के सांसद नवनीत राणा के पति है और उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर विवादों में घिर गए थे। यही नहीं, पत्नी नवनीत राणा के साथ उन्हें जेल तक जाना पड़ा था और करीब 2 सप्ताह बाद बाहर आए थे। ऐसे में भाजपा की ओर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से साफ है कि वो उद्धव ठाकरे को दर्द देने वाले नेताओं को प्रमुखता दे रही है। यही नहीं, एक दौर में शिवसेना को बड़ी टूट के साथ छोड़ने वाले नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को भी मंत्री बनाने की चर्चाएं जोरों पर है। शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो अगले आदेश तक शिवसेना पर अलग अलग गुटों के दावे पर कोई फैसला न ले। इस तरह शिवसेना को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है और पार्टी पर दावे की लड़ाई लंबी खींचती दिख रही है। अदालत ने कहा कि वो फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद को ही असली शिवसेना की मान्यता देने की अर्जी पर फैसला न ले। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है और उन्हें ही पार्टी का सिंबल तीर धनुष आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि यदि उद्धव ठाकरे का गुट इस मसले पर जवाब देने के लिए समय मांगता है तो फिर उसे ये मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर 8 अगस्त यानी सोमवार को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने ये भी कहा कि 8 अगस्त को हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए या नहीं। सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य को लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं रखा जा सकता था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके होम ग्राउंड मुंबई में झटका दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया है और 2017 के अनुसार 227 वार्डों के ढांचे को बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। शिंदे सरकार ने मुंबई और अन्य नगर निगमों के सदस्यों की संख्या में भी संशोधन किया है। एकनाथ शिंदे के इस फैसले से कांग्रेस काफी खुश है। मुंबई कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि सरकार का ये फैसला मुंबई की जीत है। देवड़ा ने शिवसेना पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना द्वारा शिवसेना के लिए लिया गया ये फैसला अब इतिहास बन गया है। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर निशाना बनाने और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सफाया करने की ये रणनीति विफल रही है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में मुंबई नगर निगम के पुनर्गठन के लिए शिवसेना द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। इस पुनर्गठन के कारण कांग्रेस को मुंबई में हार का सामना करना पड़ सकता था। कांग्रेस ने कई बार इसका विरोध भी किया लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में नवनीत राणा का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया था। निर्दलीय सांसद ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी थी। उन्हें और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार भी किया था। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। कल होने वाली कैबिनेट विस्तार में उन्हें भी जगह मिल सकती है। रवि राणा ने भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने बाद में शिव सैनिकों के भारी विरोध के बीच रद्द कर दिया था। संजय राउत ने कहा नवनीत राणा पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार 23 अप्रैल को दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने दोनों नेताओं को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। राणा परिवार ने ठाकरे पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया था। नवनीत कौर ने कहा था कि महाराष्ट्र के सीएम ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को हमें परेशान करने का आदेश दिया, जबकि उनके पति रवि राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे केवल राजनीतिक लाभ चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 12 साल की नाबालिग से रेप की घटना का 27 साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और रेप से पैदा हुए बेटे को भी मां मिल गई है। तो झारखंड में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि गांधी परिवार से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। वही जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने उनके नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की है। तो उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर हमला करते हुए चिकित्सा पद्धति को कटघरे में खड़ा किया है। इसी बीच असम में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित मदरसे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 12 साल की नाबालिग से रेप की घटना का 27 साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और रेप से पैदा हुए बेटे को भी मां मिल गई है। एसपी संजय कुमार ने बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के निवासी पीड़िता घटना के समय 12 साल की थी। मोहल्ले के ही हसन तथा उसके बेटे भाई गुड्डू ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस कारण 13 साल की उम्र में पीड़िता गर्भवती हो गई। 1994 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को शाहबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपना लिया। पीड़िता अपने बहनोई के साथ रामपुर चली गई। वहां उसकी शादी गाजीपुर निवासी से हुई। 10 वर्ष बाद उसके पति को घटना के बारे में जानकारी हुई तो उसने तलाक दे दिया। पीड़िता उसके बाद अपने गांव उधमपुर में रहने लगी। इस बीच पीड़िता के बेटे को करीब 27 साल बाद मालूम हुआ कि पालन पोषण करने वाले उसके माता पिता नहीं। पूछने पर उसने बच्चे को उसकी माँ का नाम बता दिया, जिसके बाद बेटे ने अपनी माँ से मुलाकात की। महिला ने उसे पूरी बात बताई। उसके बाद महिला ने शिकायत दी और अदालत के आदेश पर सदर बाजार थाने में 2 आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों तथा महिला एवं उसके बेटे का डीएनए परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट में आरोपी गुड्डू का डीएनए पीड़िता के बेटे से मिल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इशारों में देशद्रोही संगठन बताने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है।
झारखंड में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि गांधी परिवार से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। निशिकांत दुबे ने भारत विभाजन, बोफोर्स घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी और पाक चीन की ओर से जमीन पर कब्जा किए जाने का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर वार किया है। निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि लेडी माउंटबेटन के इशारे पर भारत और पाकिस्तान दो देश बने, इनका परिवार देशद्रोही है। बोफोर्स में क्वात्रोची ने पैसा लिया, उसको इन्होंने भगा दिया। भोपाल गैस कांड में एंडरसन की इतनी बड़ी भूमिका थी, आज भी भोपाल करहा रहा है, उसको इन्होंने भगा दिया। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, पीओके हम आज भी वापस नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कल आरएसएस का नाम लिए बिना उसे देशद्रोही संगठन बताया था। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने उनके नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की है। जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसी महीने एनवी रमणा रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के मुखिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। वरिष्ठता क्रम के अनुसार जस्टिस यूयू ललित ही मुख्य न्यायाधीश बनने के दावेदार थे। जस्टिस यूयू ललित देश के सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा असर डालने वाले तीन तलाक जैसे अहम फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस ललित देश के ऐसे दूसरे सीजेआई होंगे जो बार काउंसिल से आकर जज बने और फिर चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला। इससे पहले मार्च 1964 में ऐसा हुआ था, तब जस्टिस एसएम सिकरी को बार काउंसिल से निकलकर जज बनने का मौका मिला था और फिर वो सीजेआई भी बने थे। जस्टिस एसएम सिकरी जनवरी 1971 को देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस एनवी रमणा 26 अगस्त को अपने पद से रिटायर होंगे। उसके अगले दिन ही जस्टिस यूयू ललित पदभार संभालेंगे। जस्टिस ललित देश के नामी वकीलों में से एक रहे हैं और उन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति मिली थी। तब से अब तक वो सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रखरखाव से जुड़े मामले में भी उन्होंने फैसला सुनाया था। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बीच हमेशा से ही विवादों का नाता रहता है। एलोपैथी पर बाबा ने एक बार फिर हमला करते हुए चिकित्सा पद्धति को कटघरे में खड़ा किया है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को झूठ की पैथी करार देते हुए बाबा ने कहा कि इस पैथी में मरीजों का इलाज संभव नहीं होने की बात कही जाती है। बाबा की माने तो अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल के बिना ही योग के सहारे लाखों लोगों के लीवर, किडनी और फेफड़ों से संबंधित कई गंभीर बीमारियों को उन्होंने ठीक करके दिखाया है। यही नहीं, लोगों की आंखों की कमजोरी तक को उन्होंने ठीक किया है। रामदेव ने एलोपैथी पर हमला करते हुए कहा कि इस पैथी ने कुंठा बढ़ा दी, लोगों को भ्रमित सूचनाएं देकर बहका दिया कि लीवर ठीक ही नहीं होता है, बीमारियां ठीक ही नहीं होती है, ये सब झूठी बातें हैं। ये बातें उन्होंने पतंजलि वेलनेस सेंटर में योगाभ्यास करते हुए कही। बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर हमला किया हो। इससे पहले भी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विवादित बयान देकर बाबा ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा ली थी। यहाँ तक कि भारतीय चिकित्सा संघ की बंगाल इकाई ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ उनकी इस कथित टिप्पणी के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। असम में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित मदरसे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि मुस्तफा को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। मोरीगांव जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एन ने कहा कि मोइराबारी इलाके में मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा को आज ध्वस्त कर दिया गया है। मुफ्ती मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और SQIS के साथ उसके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 12 जिहादियों को गिरफ्तार किया था। इससे ठीक एक दिन पहले एक स्लीपर सेल का भी भंडाफोड़ किया गया था। वे बांग्लादेशी आतंकी को अपने घर में पनाह दे रहे थे। अंसारुल इस्लाम आतंकी संगठन की जड़ें कई देशों में फैली हुई है। हाल ही में रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसकर आतंकी भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार आतंकी संगठन इस तरह के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन एजेंसियों की सख्ती की वजह से उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाते।
अमेरिका ने कहा है कि आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा, तो जल्द ही ताइवान पर मिसाइल अटैक हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ऐसी घटना को दोहराएगा। वही भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस्लामी चरमपंथियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। तो उधर श्रीलंका में गत 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में अवैध रूप से घुसे और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच इन दिनों जर्मनी समेत पूरा यूरोप भीषण ऊर्जा और बिजली संकट से गुजर रहा है। जर्मनी समेत कई देश अपनी गैस की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा रूस से आयात करते हैं, लेकिन अब इसकी सप्लाई लगातार घटती जा रही है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन की तमाम चेतावनियों के बावजूद यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पूरी कर बुधवार को वापस लौट गई। पेलोसी के जाते ही अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का जिक्र किया, जिससे चीन को मिर्ची लग सकती है। दरअसल पेलोसी ने अपनी ताइवान यात्रा के दौरान इस द्वीप को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार करार दिया था। अब अमेरिका ने कहा है कि आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को लेकर अक्सर अन्य देशों को चेतावनी देता रहा है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। वहीं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। चीन ने इस क्षेत्र में अपने नियंत्रण वाले कई द्वीपों पर सेना लगाई हुई है। दोनों क्षेत्रों को खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बताया गया है और ये वैश्विक व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कारण अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने के लिए क्वाड का गठन किया था। चीन क्वाड का शुरू से विरोध करता आ रहा है। वही भारत अपने भागीदार देशों के साथ मिलकर हमेशा खुले और आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही है कि जल्द ताइवान पर मिसाइल अटैक हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ऐसी घटना को दोहराएगा। 1995 में दोनों देशों में तनाव बढ़ने के बाद चीन ने मिसाइल दाग दी थी, जो कि राजधानी ताइपे के ऊपर से निकली थी और वीरान इलाके में जा गिरी थी। चीन के युद्ध अभ्यास में घातक हथियारों की एक्सरसाइज होनी है। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में आसमानी हमला, जमीनी युद्ध और समुद्री युद्ध तीनों ही शामिल होगा। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि ताइवान पर कौन सी मिसाइल दागी जाएगी। 1995 में भी चीन एक यात्रा को लेकर बौखलाया था। तब ताइवान के राष्ट्रपति ली टेंग हुई न्यूयॉर्क के एक विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए जा रहे थे। पहले तो अमेरिका ने राष्ट्रपति को वीजा देने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन फिर राजनीतिक दबाव में चीन को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने उन्हें वीजा दे दिया। इस यात्रा के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा और इसका खामियाजा ताइवान को भुगतना पड़ा। राष्ट्रपति के भाषण से नाराज होकर चीन ने ताइवान के पास मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिया। चीन ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। प्रशिक्षण के दौरान कई मिसाइलें ताइवान के पास गिरी। वही एक मिसाइल ताइपे के ऊपर से उड़ान भरते हुए निकली। इस बार उसी तरह का खतरा ताइवान पर फिर से मंडरा रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस्लामी चरमपंथियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उन्होंने इस्लामी चरमपंथ को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि वो चरमपंथ की मौजूदा सरकार परिभाषा को विस्तृत करेंगे और आतंकवाद रोधी कानूनों को और मजबूत करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री 42 वर्षीय सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अपनी प्रतिद्वंद्वी ली ट्रस से अंतर पाटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन में चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठनों को नष्ट करने का भी संकल्प लिया। सुनक ने कहा कि वो इस्लामी चरमपंथ से निपटने के लिए सरकार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे व असफल हो रहे निषेधात्मक कार्यक्रम पर भी फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों का मत जीतने के लिए चल रहे अभियान के तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हमारे देश और लोगों को सुरक्षित रखने से अधिक महत्वपूर्ण कोई कर्तव्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामी चरमपंथ से निपटने के लिए कोशिशों को दोगुना करना हो या हमारे देश में नफरत फैला रहे लोगों से निपटना हो, मैं इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना होगा जरूर करूंगा। ब्रिटेन स्वतंत्रता, सहिष्णुता और विविधता का प्रकाश पुंज है। हम उन लोगों को कभी सफल नहीं होने देंगे जो हमारी जीवन शैली को कमतर या नष्ट करना चाहते हैं। हर संभव हम इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ कमर कसेंगे और उनके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे।
श्रीलंका में गत 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में अवैध रूप से घुसे और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर फोटो खींचने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलंबो अपराध विभाग ने आरोपी को डेराय नियागला में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्ति की उम्र 28 साल है। उसकी पहचान समनपुरगामा निवासी के रूप में हुई है। संदिग्ध को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि श्रीलंका में बीते महीने स्थिति हद से बाहर चली गई थी। लोगों ने राष्ट्रपति भवन को कब्जा कर लिया था। वहीं प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी गई थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर स्टाइल में फोटो खींचा रहा है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस राष्ट्रपति भवन में उपद्रव करने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। महंगाई, कई घंटों की बिजली कटौती, जरूरी सामानों की कमी से जूझ रहे श्रीलंका में मार्च महीने से प्रदर्शन शुरू होने लगे थे। सबसे पहले कलाकार, आईटी प्रोफेशनल्स, नाटककार और कैथोलिक पादरियों का एक समूह बना, जिसने गोटबाया राजपक्षे की वंशवाद की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आवाज बुलंद की। वंशवाद के खिलाफ इस आंदोलन को जन अर्गालय नाम दिया गया। इसके बाद देश की राजधानी कोलंबो में 31 मार्च को बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि राजपक्षे परिवार को सत्ता गंवानी पड़ी। इन दिनों जर्मनी समेत पूरा यूरोप भीषण ऊर्जा और बिजली संकट से गुजर रहा है। जर्मनी समेत कई देश अपनी गैस की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा रूस से आयात करते हैं, लेकिन अब उसकी सप्लाई लगातार घटती जा रही है। इसके चलते यूरोप में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस ऊर्जा संकट से निपटने की है, जो महंगाई को भी बढ़ा रहा है। गैस की कीमतों के साथ ही इस पर निर्भर कई और चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में यूरोप के तमाम देश बिजली बचाने के नए नए प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल यूरोप में गैस और ईंधन की कमी का संकट चल रहा है, क्योंकि रूस ने यूरोप को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में करीब 60% कटौती कर दी है। इसके पीछे उसने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का हवाला भी दिया है। ये स्थिति यूरोप में एक गंभीर संकट पैदा करने वाली लग रही है। हालांकि यूरोप के तमाम देश इस संकट से उभरने के लिए अपने अपने तरीकों पर काम कर रहे हैं। जर्मनी ने इस सप्ताह सार्वजनिक जगहों पर लाइट बंद करने का आदेश दिया है, तो फ्रांस ने वातानुकूलित दुकानों में नियम के तहत बिजली खर्च करने के आदेश दिए हैं। आउटडोर कैफे और बार टेरेस को बिजली के माध्यम से गर्म या ठंडा करने की अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, ऊर्जा बचाने के लिए वहाँ विज्ञापन पर खर्च होने वाली बिजली में कटौती कर दी गई है। स्पेन भी गैस के उपयोग में 7-8% की कटौती करना चाहता है। तो वीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।